नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। रीट भर्ती 2022 लेवल प्रथम का फाइनल परिणाम जो है शीघ्र जारी होने वाला है और इसके तहत माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पद शामिल किए जाएंगे और जो सेटअप परिवर्तन है उससे संबंधित भी आपको अपडेट इस वीडियो के तहत देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार और आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। लेवल प्रथम फाइनल परिणाम को लेकर के आज की क्या लेटेस्ट अपडेट निकल करके आई है और माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पद, इसके अलावा सेटअप परिवर्तन को लेकर के भी आपको इस वीडियो के तहत अपडेट बताई जाएगी। देख सकते हैं जैसा कि साथियों आपको यहां पर वीडियो के स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, शिक्षा विभाग सेटअप परिवर्तन की उम्मीद कम, माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पद करेंगे शामिल। यह जो सेकेंडरी लेवल तक की स्कूलें हैं उनके रिक्त पद जो है इसके तहत शामिल किए जाएंगे और सेटअप परिवर्तन की जो है उम्मीद बहुत ही कम है। जानते पूरी अपडेट वीडियो में। शिक्षक भर्ती लेवल वन का फाइनल रिजल्ट सितंबर में, जहाँ जो ये महीना शुरू होने वाला है इस माह में कब तक आ सकता है ये भी अपडेट आपको दी जाएगी। रिजल्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन जारी, पूरी अपडेट आपको बताएंगे इस वीडियो के तहत। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के तहत लेवल वन का फाइनल रिजल्ट सितंबर के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिसका कि लाखों अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। लेवल प्रथम का जो फाइनल रिजल्ट है वह सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी करने की बात की गई है, पूरी अपडेट आपको बताते हैं वीडियो के तहत। लेवल वन का परीक्षा परिणाम तैयार हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट इसी महीने जारी करने की योजना थी, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन में समय लगने के कारण अब सितंबर के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की संभावना है। फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद लेवल वन के 21,000 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग की ओर से पोस्टिंग दी जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद में शिक्षा विभाग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। उधर शिक्षा विभाग ने भी चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के कुछ जिलों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में लेवल वन के पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में, ध्यान से समझें, जिन विद्यालयों में लेवल वन के पद रिक्त नहीं हैं उनमें माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पदों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। यानी माध्यमिक सेकेंडरी लेवल के जो स्कूलें हैं उनके पदों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाए हैं। दरअसल 6/3 के तहत शिक्षकों का समायोजन नहीं कर सीधे ही माध्यमिक सेटअप की स्कूलों के रिक्त पदों पर लेवल वन और लेवल सेकंड के चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने पर विचार चल रहा है। यानी उनका सेटअप ना करके सीधे उनके पदों को शामिल किया जाए। राज्य सरकार ने 11 मई को 6/3 के तहत शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन के आदेश जारी किए थे, लेकिन विभिन्न शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। जहाँ तो सेटअप परिवर्तन की उम्मीद बहुत ही कम है। अब इसका कारण क्या है देखते हैं वीडियो के तहत। माध्यमिक में तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती का नियम नहीं, नियमों के मुताबिक माध्यमिक सेटअप के स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती नहीं होती है। प्रारंभिक सेटअप के वरिष्ठ तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 6/3 में चयनित करके माध्यमिक स्कूलों में भेजकर रिक्त होने वाले पदों पर नए शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। ये अपडेट है इसमें। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के तहत अगले महीने लेवल वन और लेवल सेकंड के 48,000 तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती, यानी इनको पोस्टिंग दी जाएगी। जानते हैं उपेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा है इस हेतु। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परीक्षा के तहत 31 अगस्त तक लेवल वन का फाइनल रिजल्ट घोषित करने के संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया। यदि जल्द ही रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो 5 सितंबर को बोर्ड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो इसमें अपडेट है कि 5 सितंबर से पहले पहले जो है इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो वापस से बोर्ड कार्यालय का घेराव इसके तहत किया जाएगा। आगे महेंद्र जी पांडे महामंत्री प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ, उन्होंने क्या है
काय सेतु, सेटअप परिवर्तन किया जाना शैक्षणिक दृष्टि से उचित नहीं है। माध्यमिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने से प्रतिवर्ष लगने वाले प्रशासनिक समय की बचत होगी और अनावश्यक न्यायालय वाद भी नहीं होंगे। इस संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। यानी माध्यमिक स्कूलों के रिक्त पद इसमें शामिल किए जा सकते हैं, इस पर पूरा विचार चल रहा है, इसे तो ज्ञापन भी भेजा गया है। और भी जानते हैं अपडेट इसमें, यह है विरोध का कारण। उधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि अध्यापकों को बिना किसी कारण दूसरे स्कूलों में भेजकर उनके स्थान पर नई नियुक्तियां करना उचित नहीं है। सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 का पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्कूल समय और मूल्यांकन पद्धति समान है, वही नवनियुक्त और पुरानी शिक्षकों की योग्यता भी समान है। ऐसे में सेटअप परिवर्तन के बजाय माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल करने का प्रावधान करना चाहिए। तो साथियों देख सकते हैं वीडियो के तहत आज की पूरी अपडेट लेवल प्रथम रीट भर्ती 2022 फाइनल परिणाम को लेकर के, जो सेटअप परिवर्तन की उम्मीद है वो नहीं है, इसके तहत इस नियम में शामिल नहीं है। और माध्यमिक स्कूलों के जो रिक्त पद हैं, जिन विद्यालयों में लेवल 1 के प्रारंभिक शिक्षा है, लेवल 1 में जो है पद नहीं है, उन पदों को इसके तहत शामिल किया जाएगा, माध्यमिक स्कूलों के पदों को। और सितंबर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की पूर्ण संभावनाएं बताई गई है। तो आज की यही अपडेट है शिक्षक भर्ती लेवल 1 के फाइनल रिजल्ट को लेकर के और माध्यमिक स्कूलों के जो रिक्त पद शामिल किए जाएंगे उससे संबंधित है। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसके अलावा साथियों बताना चाहेंगे, शिक्षा विभाग की हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, हर प्रकार की अपडेट हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। जैसे ही लेवल 1 और लेवल 2 का फाइनल परिणाम जारी होगा, आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले अपडेट दी जाएगी। तो इस चैनल के साथ आप अवश्य जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे कि सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो है आचार संहिता लगने से पहले जो है खुशियां मिल सके, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार पूरा हो सके। तो ये तो है लेवल 1 फाइनल रिजल्ट की अपडेट। इसके अलावा साथियों लेवल 2 का भी फाइनल रिजल्ट जो है सितंबर माह में ही जारी होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। जैसे कि लेवल 1 का सितंबर के प्रथम सप्ताह में, तो सितंबर के द्वितीय सप्ताह तक यानी 15 सितंबर तक मान सकते हैं इसका रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं हैं। जैसे ही कोई अन्य अपडेट आएगी लेवल 2 के रिजल्ट के फाइनल उसके बारे में, या फिर लेवल 1 का फाइनल रिजल्ट जारी होगा, आपको अवश्य इसे तो सूचित किया जाएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।